कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से नेशनल हाईवेज पर एनएचएआई को भारी नुकसान हुआ है। इसी के तहत अब मॉडिफाइड लॉकडाउन के आदेश के बाद 20 अप्रैल से नेशनल हाईवेज पर टोल कलेक्शन पर काम शुरू होगा। एनएचएआई ने टोल वसूली के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में 26 मार्च से नेशनल हाईवेज पर टोल वसूली बंद है। मॉडिफाइड लॉकडाउन आदेश के बाद एनएचएआई ने यह फैसला लिया है। अब 20 अप्रैल से टोल वसूली होगी और एनएचएआई को लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। टोल वसूली ना होने से हर रोज 10 करोड़ का नुकसान का सामना यहां पर करना पड़ा है। 25 दिन टोल बंद होने से करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एनएचएआई के सीजेएम एनके जैन ने यह जानकारी दी। प्रदेश भर में 20 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर टोल वसूली शुरू होगी। प्रदेश भर में एनएचएआई के प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। काफी नुकसान हो चुका है टोल वसूली नहीं होने के कारण। नेशनल हाईवे पर फिर से टोल कलेक्शन शुरू किया जाएगा 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल से काम शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। एनएचएआई ने ये आदेश जारी किए हैं। 26 मार्च से लॉकडाउन के चलते टोल कलेक्शन का कार्य बंद था और अब 20 अप्रैल से फिर से शुरू किया जाएगा। एनएचएआई के सीजीएम मुकेश कुमार जैन ने ये जानकारी दी। अप्रैल से ये काम शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। 26 मार्च से लॉकडाउन के चलते टोल कलेक्शन का कार्य बंद था और अब 20 अप्रैल से फिर से ये कार्य शुरू किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए 26 मार्च से ये काम बिल्कुल बंद था और काफी नुकसान इससे झेलना पड़ा है। 250 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है और अब फिर से 20 अप्रैल से काम शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए मनीषा, मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के साथ ही जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर टोल कलेक्शन का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके लिए एनएचएआई की ओर से सभी जो सीजीएम्स हैं और पीडीज हैं, इनके कार्मिक हैं, उनको निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एनएचएआई की ओर से तैयारी शुरू कर दी है। 20 अप्रैल से टोल कलेक्शन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, अगर बात की जाए तो 26 मार्च से टोल कलेक्शन का कार्य बंद रुका हुआ था, बंद किया गया था लॉकडाउन के चलते, जिसको लेकर अब 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही ये कार्य प्रारंभ होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो एनएचएआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान लॉकडाउन के चलते नेशनल हाईवे को बताया जा रहा है। देखिए, 25 दिन का लॉकडाउन के चलते एनएचएआई के जो टोल हैं वो बंद रहे हैं और करीब 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे को लॉकडाउन के चलते नुकसान हुआ है। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर फिर से टोल वसूली का काम शुरू होगा